अस्सलाम वालेकुम, आई एम अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी को लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। ये वीडियो स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए है, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से पॉलिसी लेना चाहते हैं, उनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो लोग भी पॉलिसी लेना चाहते हैं उनके पास अपना NIC होना चाहिए, उसकी कॉपी चाहिए होगी, और याद रखें दोस्तों NIC एक्सपायर नहीं होना चाहिए। सेकंड, नॉमिनी में जिसको रखना चाहते हैं, सेकंड ओनर वारिस, उसके NIC कॉपी भी चाहिए होगी। थर्ड नंबर पर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से प्रपोजल फॉर्म दिया जाएगा, उसे फिल करना लाजमी है। प्रपोजल फॉर्म जो होगा, ये दो किस्म के फॉर्म होते हैं, एक नॉन मेडिकल और एक मेडिकल। जो लोग स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से बड़ी पॉलिसी लेते हैं, जिनका सम इंश्योर्ड ज़्यादा होता है या जिनकी एज ज़्यादा है, तो उनको मेडिकल करवाना लाजमी है। फोर्थ नंबर पे COVID-19 का फॉर्म एक ऐड किया गया है, इसे फिल करना भी लाजमी है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका होना ज़रूरी है। पहले नंबर पे CNIC, सेकेंड नंबर में नॉमिनेशन की CNIC कॉपी, थर्ड नंबर पर प्रपोजल फॉर्म फिल करना है, फोर्थ नंबर पर COVID-19 फॉर्म। इसके अलावा जो लोग बड़ी पॉलिसी लेंगे उनको फाइनेंशियल एविडेंस के तौर पे भी कोई डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना ज़रूरी है, जिसमें बैंक स्टेटमेंट, अगर वो किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप, और अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो रेंट इनकम एविडेंस उनको शो करना ज़रूरी है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका होना ज़रूरी है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी को लेने के लिए। तो आई होप ये आपको समझ आ चुके होंगे। इस हवाले से कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से पॉलिसी लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, 0313-261-8209। हमारे पास हर किस्म के प्लान मौजूद हैं, आपकी इनकम के मुताबिक, आपकी सैलरी के मुताबिक आपको प्लान बना के प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।